तिब्बती संसद के सदस्य दावा तेज सिंह ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की सोशल मीडिया में वायरल हो रही वीडियो पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस सारे प्रकरण के पीछे चीनी सरकार का हाथ हो। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी चीन के द्वारा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को बदनाम करने का प्रयास कई बार किया जा चुका है। 28 फरवरी के दिन एक निजी फाउंडेशन के बच्चे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने व उनके प्रवचन सुनने के लिए मैक्लोडगंज स्थित दलाई लामा मंदिर में पहुंचे थे। इस दौरान जब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, इस दौरान एक बच्चे ने दलाई लामा से गले लगने की बात रखी। दलाई लामा ने भी बच्चे को प्यार से गले लगाया और उसके गाल पर किस किया। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है तो कई तरह के आरोप तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा पर लग रहे हैं, लेकिन इन सभी आरोपों को तिब्बती संसद के सदस्य दावा तेसरिंग ने नकार दिया है। मेरा नाम दावा श्री हूँ, मैं तिब्बती समुदाय का संसद का मेंबर हूँ जी। देखो ये सारा जो फेक न्यूज है, जो खास करके दलाई लामा के ऊपर जो अभी बदनाम करता है, उनके ऊपर जो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मैं तो उसको जो भी कर रहा है, जो भी सोशल मीडिया है, जो भी आदमी वो चीन के कोई से संबंध रखने वाला पक्का होगा, क्योंकि दलाई लामा बूढ़ा हो चाहे काला हो चाहे जो भी हो, किसी सभी इंसान से जानवर से भी उनको इतना गला लगा कर वो प्यार करता है तो उस बच्चे के साथ गला लगा होगा, उनके साथ प्यार किया मतलब लगाता है, जो सभी के साथ वो प्यार करते हैं उसी तरह किया होगा। तो ये जो अभी फेक न्यूज़ करते हैं, जो दलाई लामा जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मैं तो उसी को कंडेम करता हूँ। खास करके वो आदमी जो भी सोशल मीडिया का काम करता है, वो मेरे को एक सोचता है कि वो चीन से मिला जुला कोई लगता है, क्योंकि एक हम अपने भगवान है, ये तिब्बती का भगवान है। आजकल दुनिया का लोग सभी लोग उनको भगवान की तरह मानता है, ऐसा एक इस भगवान को बदनाम करने की कोशिश करता है, वो करने वाला चीन ही अकेला हो सकता है जो सत्तर साल चीन करते रहता था। आप सब लोग जानते हैं कि हमारा गुरुजी का जो दलाई लामा का गुरुजी जी का दोस्त जो बिशप टूडो था साउथ अफ्रीका का, उनका साथ भी कि गुरुजी ने नाक ऐसे रखना ऐसा मिला था, कई ऐसा दुनिया में जब जंग किया था, ऐसा मतलब प्यार दिखा था। एक इंसान ऐसा नहीं करता कि मैं दलाई लामा हूँ, मैं भरा हूँ, जैसे कि कोई नीचा देखने वाला, वो एक ही जो भी मिलता है उसको अपना इंसान एक इंसान मिलने के तरह वो बिहेव करता था। उसी तरह बिशप और टूटू पी के साथ उन्होंने नाक मिला था, ऐसा किया था, सो दैट इज वेरी नेचुरल। वो सभी के साथ ऐसा प्यार करता है, सभी सब ऐसा मिलते रहता था। तो आई थिंक जो अभी खबर चला रहा है, वो मैं दोबारा बोलता हूँ कि वो चीन के तरह से जो मतलब संबंध रखने वाला कोई भी हो सकता है।